ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के बाद हिंदुस्तान से इन बहादुर पठानों की हुकूमत का भी खात्मा कर दिया जो हिंदुस्तान पर सदियों से फरमारवाई करते आ रहे थे और जिन्होंने किसी बड़ी से बड़ी ताकत को भी अपने मुकाबले में जमने नहीं दिया था। ज़हीरुद्दीन बाबर की इस तारीखी फतह के बाद हिंदुस्तान में इन रूसी तुर्कों की हुकूमत का दौर शुरू हो गया जो मुगलों के नाम से मशहूर हुए। हालांकि ज़हीरुद्दीन बाबर और उसकी औलाद मुगल से कहीं ज्यादा तुर्क कहलाने के मुस्तहिक थे। ज़हीरुद्दीन बाबर का बाप उमर शेख मिर्जा अमीर तैमूर का पोता था। अमीर तैमूर के मरने के बाद क्योंकि इसकी वसी हुकूमत इसके बेशुमार बेटों और पोतों में तकसीम हो चुकी थी, इसलिए बाबर के बाप उमर शेख मिर्जा को सिर्फ फरगाना की छोटी सी हुकूमत मिल सकी जिसका पाया तख्त अंदजान था और जिसमें ताशगंद, बेरून, आसनी, काशगान और चंद दूसरे छोटे छोटे इलाके शामिल थे और ये इलाके भी महफूज ना थे क्योंकि आए दिन अमीर तैमूर की औलादों में आपस में मुल्क गिरी के लिए जंगें होती रहती थी। अपने वालिद की वफात के बाद 1493 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर 12 बरस की उम्र में बामकाम अंदजान हकूमत फरगाना के तख्त पर बैठे। अभी तख्त पर बैठे हुए इन्हें देर ना हुई थी कि इनके चाचा सुल्तान अहमद मिर्जा ने हकूमत फरगाना पर फौज कशी कर दी और अक्सर मकामात को फतह कर लेने के बाद इसके चाचा की फौजें दारुल हकूमत अंदजान की जानब बढ़ने लगी। लेकिन बाबर की खुशकिस्मती के इसके चाचा की फौज में बीमारी फैल गई और उसे मजबूरन बाबर से सुलह करके समरकंद वापस जाना पड़ा। बाबर को अभी इस मुसीबत से बमुश्किल ही निजात मिली थी कि इसको मालूम हुआ कि इसका मामू महमूद खान आसनी ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और काशान पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन महमूद खान चूंकि किला आसनी को फतह ना कर सका इसलिए वो वापस चला गया। बाबर को चचा और मामू से फुर्सत मिली तो अमाले हुकूमत ने बगावतें शुरू कर दी। बाबर ने बागियों को शिकस्त दे दी और 1496 में अपने चचा के इलाके पर हमला करके समरकंद को भी फतह कर लिया। लेकिन बाबर ने चूंकि समरकंद की फतह के बाद फौज को शहर लूटने की इजाजत नहीं दी थी इसलिए फौज बिगड़कर घरों को वापस चली गई। इसी दौरान समरकंद में बाबर बीमार हो गया और इसे मजबूरन समरकंद छोड़कर अंदजान के लिए जाना पड़ा। लेकिन इसे रास्ते में मालूम हुआ कि इसके भाई जहांगीर खान ने इसकी गैर मौजूदगी में फरगाना की हुकूमत पर कब्जा जमा लिया है। बहुत सी कोशिशों के बाद बाबर ने एक मरतबा फिर फरगाना की हुकूमत हासिल कर ली। लेकिन बाबर मुगल सिपाहियों से बदजन हो चुका था। जब उसने चाहा कि मुगलों को फरगाना से निकाल दे तो 5000 मुगल सिपाहियों ने बगावत कर दी। सख्त खूनरेजी हुई और बाबर की हुकूमत फिर इसके हाथ से निकलकर इसके भाई जहांगीर के कब्जे में चली गई। बाबर ने अब भी हिम्मत न हारी और सिर्फ 150 सिपाहियों की मदद से समरकंद के किले का मुहासरा कर लिया और इसे फतह कर लिया। लेकिन जब शेबान खान ने समरकंद पर हमला किया तो बाबर इसका मुकाबला न कर सका और गिरफ्तार हो गया। आखिरकार बाबर को इस शर्त पर रिहाई मिली कि वो अपनी बहन का शेबान खान से निकाह कर दे और अपनी जान बचाकर जिधर मुंह उठे निकल जाए। इन मसाइब के बावजूद बाबर ने हिम्मत न हारी। उसने फिर एक बार महज अपनी जुर्रत की बिना पर फरगाना के बाद इलाकों को फतह कर लिया। लेकिन उसके पास फौज ना होने की वजह से इन इलाकों को भी छोड़ना पड़ा और वो फिर जंगलों में खाक उड़ाने लगा। कभी कभी तो हालत ये होती कि बाबर अपनी बेबसी पर बेइख्तियार रो पड़ता था। बाबर को उसके बाद हमदर्दों ने मशवरा दिया कि वो तुर्किस्तान को खैरबाद कहकर अफगानिस्तान में किस्मत आजमाई करे। चनाचे बाबर ने बलख और काबुल को फतह कर लिया। बलख और काबुल को फतह कर लेने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी की और वहां गुजरों, जाटों और गखड़ों की खूब सरकोबी करने के बाद दोबारा अफगानिस्तान वापस चला आया। बाबर जो अपने साबका हमलों में हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के लिए जमीन तैयार कर चुका था, जब उसको हाकम पंजाब दौलत खान, इब्राहिम लोदी के भाई अलाउद्दीन और चित्तौड़ के राजा राणा संगा की जानब से हिंदुस्तान आने का बलावा मिला तो वो फौरन हिंदुस्तान को फतह करने के लिए 1525 में रवाना हो गया। लेकिन इतने बड़े मुल्क को फतह करने के लिए उसके पास जो लश्कर था उसकी मजमूई तादाद 10 से 12 हजार के करीब थी।
बाबर पेशावर से होता हुआ दरियाए सिंध पर आया और दरियाए सिंध से रवाना होकर कुहे जूद पर पहुंचा। यहां गल्ला जमा करने के बाद दरियाए जेहलम को अबूर किया। लाहौर और पंजाब के अमाल को हमवार करने के बाद पहले तो कासद को रवाना किया, इसके बाद आगे बढ़कर दरियाए चिनाब के किनारे खेमे डाल दिए और एक दिन के आराम के बाद सियालकोट पहुंच गया। और जाट और गुजर जब मुकाबले पर आए तो इनको शिकस्त दी। बाबर को सियालकोट में इत्तला मिली कि इब्राहिम लोदी का भाई अलाउद्दीन इब्राहिम लोदी से शिकस्त खाने के बाद लाहौर भाग आया है। ये वही अलाउद्दीन है जो बाबर को बुलाने के लिए काबुल गया था और बाबर ने इसको पहले से एक मुख्तसर फौज देकर हिंदुस्तान भेज दिया था ताकि वो बाबर की हुकूमत के लिए यहाँ ज़मीन हमवार करे। बाबर ने सियालकोट से निकलकर मलोट को फतह किया और दौलत खान हाकम पंजाब को, जो बाबर से मुनहरिफ हो गया था, गिरफ्तार कर लिया। फिर अपनी फौज को आरास्ता करने के बाद दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी से जंग के लिए रवाना हो गया। इस मार्के में दौलत खान का बेटा दिलावर खान भी बाबर के हमराह था। अलाउद्दीन उर्फ आमल खान भी बाबर के पास पहुंच गया। इसके अलावा बहुत सारे हिंदुस्तानी उमराए सल्तनत बाबर के हमरकाब थे। जब बाबर को यह मालूम हुआ कि इब्राहिम लोदी की बेअंदाज फौज मुकाबले के लिए पानीपत में जमा हो रही है तो बाबर और इसकी फौज के सरदार पानीपत की जानब आगे बढ़े। बाबर के पास इस वक्त कुल 10,000 फौज थी। पानीपत के करीब पहुंचने के बाद बाबर ने अपने तोपखाने को तरतीब दिया, बंदूकचियों को तोपखानों के पीछे खड़ा किया और सवारों को अलहदा अलहदा टुकड़ियों में तकसीम कर दिया। फिर इस लश्कर ने आगे बढ़कर इब्राहिम लोदी की फौज पर, जो 1,00,000 सवारों और 1,000 हाथियों पर मुश्तमिल थी, हमला कर दिया और इस तरह पानीपत की इस तारीखी जंग की इब्तदा हो गई, जिसके बाद हिंदुस्तान की किस्मत का आखिरी फैसला होने वाला था। इब्राहिम लोदी की फौज अगरचा बाबर की फौज के मुकाबले में तादाद के लिहाज से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसका बेशतर हिस्सा गैर तरतीब याफ्ता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को शिकस्त हो गई और खुद इब्राहिम लोदी इस जंग में मारा गया। पानीपत की फतह के बाद बाबर ने शहजादा हुमायूं को आगरा को फतह करने के लिए रवाना किया और खुद आगे बढ़कर दिल्ली को फतह कर लिया। दिल्ली को फतह करने के बाद बाबर आगरा पहुंचा। शहजादा हुमायूं, जो यहां पहले से मौजूद था और किले को फतह करने के लिए अपने बाप की आमद का मुंतजिर था, बाबर के आगरा पहुंचते ही किले पर हमला कर दिया गया। ग्वालियर का राजा बकर माजीद इब्राहिम लोदी की जानब बाहर से लड़ा और जंग में मारा गया। हुमायूं की फौज ने बकर माजीद के अहलो अयाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनके साथ बड़ी नरमी का सलूक किया। बकर माजीद के जानशीन ने हुमायूं की खिदमत में बहुत से कीमती जवाहरात बतौर नजराना पेश किए। इन्हीं जवाहरात में कोहनूर नामी मशहूर हीरा था, जो आजकल शाह इंग्लिस्तान के ताज की जीनत बना हुआ है। आगरा का किला कई दिन तक महसूर रहा। आखिरकार महसूरीन ने इताद कबूल कर ली और इस तरह आगरा भी फतह हो गया। बाबर ने आगरा की फतह के बाद इब्राहिम लोदी की मां को 7,00,000 रुपए की जागीर दी और आगरा के करीब एक महल में मुंतकिल कर दिया। बाबर हिंदुस्तान का पहला हमला आवर है जो सिर्फ 10,000 के लश्कर से हिंदुस्तान को फतह करने में कामयाब हो गया, वरना इससे कबल सुल्तान महमूद गजनवी या सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी जब भी हिंदुस्तान पर हमला किया करते थे तो इनके साथ बेशुमार लश्कर होता था। दिल्ली और आगरा को फतह करने के बाद बाबर ने अगरचा मुल्क के किसी हिस्से में बाकायदा लश्कर कशी शुरू नहीं की थी, लेकिन फिर भी शहजादा हुमायूं और दूसरे मुगल सरदारों की कोशिशों से चंद माह के अंदर अंदर मुदरजा जैल मुकामात जेर हो गए, जिनमें किला सांबल, अटावा, कनौज, धौलपुर, जलेसर, जौनपुर, कालपी, ब्याना और किला ग्वालियर शामिल हैं। इनके उमराए सल्तनत ने अतात कबूल कर ली थी। इसके बाद चित्तौड़ का राजा संग्राम उर्फ राणा संगा, जिसने बाबर को हिंदुस्तान आने की दावत दी थी और ये वादा किया था कि इसकी फौजें बाबर की फौजों के साथ इब्राहिम लोदी से लड़ेंगी, उसने जब ये देखा कि बाबर ने हिंदुस्तान में पांव जमाना शुरू कर दिए हैं तो वो बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा हो गया। राणा संग्राम ये चाहता था कि हिंदुस्तान आने के बाद इब्राहिम लोदी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए और बाबर वापस चला जाए।
इसके बाद राणा संगा हिंदुस्तान में राजपूतों की हुकूमत का संगे बुनियाद रखे। लेकिन जब राणा संग्राम ने देखा कि मुगलों का वजूद राजपूतों के लिए पठानों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, तो वो बाबर के खिलाफ बगावत पर आमादा हो गया। उसने गंधार फतह कर लिया और बाबर के मुकाबले के लिए जबरदस्त फौजी तैयारी शुरू कर दी। और मामला यहाँ तक बढ़ गया कि तमाम राजपूत हुक्मरानों ने इस्तदा की कि वो हिंदुस्तान से मुगलों को निकालने में इसकी मदद करेंगे। चनाचे तमाम राजपूत राणा संग्राम के झंडे के नीचे जमा हो गए। राजपूतों के अलावा सिकंदर लोदी का बेटा महमूद लोदी भी इनके साथ शामिल हो गया। इसके अलावा दूसरे वो लोदी सरदार जो बाबर से शिकस्त खा चुके थे, इस मार्के में राणा संग्राम के साथ शामिल हो गए। राणा संग्राम की फौजी तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सेकरी के करीब से इसका लश्कर गुजरा तो किसी तरह भी इब्राहिम लोदी के इस लश्कर से कम ना था जिसे बाबर को पानीपत में मुकाबला करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद राणा संग्राम की फौजें जब बाबर की फौजों से टकराईं तो इसके तकरीबन तमाम बड़े बड़े फौजी अफसर मारे गए और राणा संग्राम मैदान से फरार होने पर मजबूर हो गया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखने के बाद पानीपत की फतह के बाद बाबर की ये दूसरी काबले जिक्र फतह थी। 1528 में बाबर को इत्तला मिली कि सिकंदर लोदी के बेटे महमूद लोदी ने बिहार फतह कर लिया है और महमूद राणा संग्राम की लड़ाई में भी राणा संग्राम के मुआवन बाबर से लड़ चुका था। इस इत्तला के मिलते ही बाबर ने यह फैसला किया कि वो खुद तमाम मशरकी सूबों को फतह करेगा। चनाचे बाबर एक बहुत बड़ी फौज लेकर महमूद लोदी के मुकाबले के लिए रवाना हुआ। महमूद को जब बाबर के आने की खबर हुई तो वो मुकाबले की ताब ना लाते हुए भाग गया। बाबर बिहार के इलाकों को फतह करता हुआ बंगाल तक जा पहुंचा। बाबर इससे पहले शाह बंगाल को अतात के लिए लिख चुका था मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया था। चनाचे बाबर ने बंगाल में दाखिल होने के बाद बंगालियों के साथ जंग शुरू कर दी और बंगालियों को शिकस्त हुई और उन्होंने बाबर के साथ सुलह कर ली। आखिरकार शहनशाह हिंदुस्तान जहीरुद्दीन बाबर 5 जमादी अव्वल 937 हिजरी बमुताबिक 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को जमुना के किनारे से आगरा के बाग में रहलत कर गया। यहां से बाबर का जनाजा आगरा से काबुल लाया गया और काबुल में दफन कर दिया गया। शहनशाह जहांगीर ने अपने अहदे हुकूमत में बाबर की कब्र पर एक नहायत शानदार मकबरा बनवा दिया जो दुनिया की बेनजीर इमारतों में शुमार होता है।